अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो हेलो, वो मुझे इंस्पेक्टर देवी ने फोन करने कहा था आपको, इसीलिए कॉल किया। अब कुछ मिलने की बात हुई थी। एक घंटे में बड़े बाजार वाले पार्क में आके मिलूंगा। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? हम बुरखे में होंगे। पापा, हमें चलना चाहिए, कम से कम ये तो पता चले कि सबके पीछे है कौन। हम भी चलते हैं। नहीं पापा, आप नहीं जा सकते। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था पापा कि अगर बहुत सारे लोग जाएंगे तो शक हो सकता है, जो काम होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा फिर। भैया सही कह रहे, मैं अकेले ही जाना चाहिए। माता रानी, हमें शक्ति देना, हिम्मत देना, ताकि ध्रुव जी को बचाने की जो हमने कसम खाई है उसे पूरा कर पाए इस दशमी से पहले, उन्हें निर्दोष साबित करके घर वापस ला पाए। मदद करना हमारी। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे हवालदार से गलती हुई है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ऐसी माफी मांग कर हर बार आप लोग छूट जाते हैं, लेकिन इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पुलिस फोर्स हाय हाय, पुलिस फोर्स हाय हाय, पुलिस फोर्स हाय हाय। मेरी बात सुनिए। हाय हाय, वो औरत ने तो यही जगह बताई थी। हम उतर जाते हैं, आप वापस जाइए। नहीं धानी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हम यहाँ पे रह के तुम पे नजर रखेंगे, अगर कुछ ऊट पटांग गड़बड़ हुई हम दौड़ के तुम्हारे पास आ तो सकेंगे। हम यहीं धानी। समझ में नहीं आ रहा ये परेशानी कहाँ से आ गई। अगर वो लॉकेट का राज बाहर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा तो पूरे परिवार बिखर जाएगा। बुरखे में होंगे। We'll be right back.
सर। जय हिंद। आप लोगों के साथ आज हमारे थाने में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से हम तहे दिल से माफी मांगते हैं और हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इस बार हम आपको छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो हम माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। आपका धन्यवाद सिंह साहब, आपका भी कोटि-कोटि धन्यवाद। दो घंटे से हम इनसे माफी मांग रहे थे तब तो माने नहीं, समझ में नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। समझ में आ जाएगा देवी कुमार जी, घमंड का अंत जो है वो बहुत बुरा होता है और सारी बातें आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलेंगी। सुई है वही जो राम रची राखा। बहादुर बच्चा है हमारा, ऐसा ही थोड़ी ना शेर कहते हम। बहुत जल्द जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो सबूत इकट्ठा कर लूंगा उसके बाद देखिएगा। धान मचा गया है सबूत इकट्ठा करने, और एक सबूत, एक ही सबूत हाथ लग जाए बताइए तो गया काम से। फिर धानी सबूत लाने गई अकेले? हाँ। अब वो ठीक तो है ना? अरे बचवा, आपका पत्नी है तो हमारा बिटिया रानी है, हमारी धानी बच्चा आज सौ के बराबर है, सौ के बराबर एक। आप जानते हो आपसे कितना प्यार करता है धानी बच्चा। होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है, तुझ संग जुड़ी है है। आपके लिए कोई भी मुसीबत का लांग सकती है वो। हो ना हो हमें जो सबूत चाहिए वो उसी पाउच में ही होगा।